Hello dear followers. This is Flamingo or textbook for class twelfth. From this book today we are going to commence Deep Water by William Douglas. This is chapter third. And we are going to begin textual content part first. इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा मेरा यह प्रयास क्रैमिंग बेस्ड एजुकेशन को ख़त्म करना है मैं चाहता हूँ आप सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करें टेक्सुअल कंटेंट करने से हमारे सारे कंसेप्ट स्पष्ट हो जाएंगे और हमारी लर्निंग प्रोसेस बढ़ेगी और हमें अच्छे तरीके से क्वेश्चंस और आंसर याद होने लगेंगे मैं चाहता हूँ इस तरीके के अध्ययन से आप अपने भविष्य का अच्छे से निर्माण करें मैं उम्मीद करता हूँ आपका भविष्य उज्जवल हो इस लॉकडाउन में इस पैंडेमिक में मेरा यह प्रयास सभी बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए है उनका भविष्य उज्जवल बने वो अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन प्राप्त करें और ब्रिटिश रिसिव प्रनासीसन के अकॉर्डिंग साउंड्स को अच्छे तरीके से सुने और साथ में वर्ड्स मीनिंग्स और बहुत अच्छी तरह की अलग अलग तरह की बातों को सुने तभी मेरा यह प्रयास सफल होगा तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये 98 वीडियो है जल्दी ही वन हैंड्रेड वीडियोज नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक पूर्ण हो जाएंगे आप इस टेक्सल कंटेंट के अच्छे से अध्ययन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे पास सेंड कीजिए तो डीप वाटर की शुरुआत करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में जानकारी लेंगे आइए बिगनिंग करते हैं विलियम डगलस वाज बोर्न इन 1898 एंड डाइड इन 1980 विलियम डगलस का जन्म अठारह सौ अठानवे में हुआ था और इनकी मृत्यु उन्नीस सौ अस्सी में हुई थी he was born in मेन Minnesota. इनका जन्म मेन Minnesota में हुआ था After graduating with a bachelor's of arts in English and economics, he spent two years teaching high school in Yakima. अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में बी की डिग्री प्राप्त करने के बाद स्नातक पास करने के बाद उन्होंने दो वर्ष याकिमा में एक उच्च विद्यालय में अध्यापन कार्य में व्यतीत किए हावेवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू लीगल करियर लेकिन इस व्यवसाय से ऊब जाने पर इन्होंने लीगल कैरियर को परस्यू करने का निर्णय किया अनुसरण करने का निर्णय किया ही मैट फ्रैंकलिन डी रुजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेजिडेंट उनकी मुलाकात फ्रैंकलिन डी रुजवेल्ट से येल में हुई थी और वह राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के एक सलाहकार व मित्र बन गए थे डगलस लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स डगलस एक जाने माने व्यक्तिगत अधिकारों के वकील थे ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ विद्रम लास्टिंग थर्टी सिक्स ईयर्ज एंड रिमेन्ज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉर्ट एक छत्तीस साल के समय के साथ उन्नीस सौ पचहत्तर में इनकी रिटायरमेंट हुई थी ये सेवानिवृत्त हुए और कोर्ट के इतिहास में काफ़ी लंबे जस्टिस के रूप में सेवा करते रहे द फॉलोइंग एग्जैप इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्ज बाय विलियम और डगलस नीचे दिया गया एग्जॉर्ट इक एग्जॉर्ट क्या होता है देखिए कॉपी सैंपल मेटेरियल फ्रॉम अ वर्क किसी रचना से नमूना नमूने का मेटेरियल वह होता है एग्जॉर्ब मीन्स सार आगे देखिए ये जो नीचे दिया गया एक जर्प है यह विलियम और डगलस के द्वारा ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है इट रिवील्ड हाउ एज यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल यह एग्जार्ट यह एग्जार्ट यह प्रस्तुत करता है ये प्रकट करता है कि कैसे एक नौजवान लड़का विलियम डगलस स्विमिंग पूल में डूबने वाला था डूबने के समीप था इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम सॉरी ओवरकेम इट इस निबंध में विलियम डगलस पानी के बारे में अपने डर की बात करता है पानी से वो डरता है और इसके बाद कैसे आखिर में वो इस पर जीत हासिल कर लेता है कैसे उसने इस पे विक्ट्री हासिल की थी नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन इज यूज टू स्पॉट हिज डिस्कशन ऑफ फीयर ध्यान दीजिए कि कैसे इस सलेक्शन के उनके जीवन वृत्थ से उनके डर के इस डिस्कशन से स्पोर्ट कैसे मिलती है कैसे उनका सिलेक्शन, उनके इस डर के डिस्कशन को स्पोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है कैसे उनका जीवन व्रत प्रस्तुत किया गया है आइए देखते हैं शुरुआत करने से पहले हम ये नीचे दिए गए कुछ वर्ड्स मीनिंग और देख लेते हैं नोटिस दिज वर्ड्स एंड एक्सप्रेस इन द टेक्स्ट इन्फोर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट नीचे दिए गए शब्दों और इन अभिव्यक्तियों को जो टेक्स्ट में दी गई हैं संदर्भ में जो दिया गया है उनसे उनके मीनिंग को इन्फर कीजिए तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टैचस टेचस का मीनिंग क्या है डिस मैं यहां सर्कल में डाल रहा हूं टैचस डी ई सी ई आई टी एफ यू एल डी ई सी ई आई टी एफ यू एल डिस मीन धोखा दोखेपुरवन नेक्स्ट मिस एडवेंचर मिस एडवेंचर का मीनिंग क्या है एन एक्सीडेंटल मिस एप और मिस फॉर्च्यून अचानक ही कोई घटना घटित हो जाए या मिस एपनिंग हो जाए उसको मिस एडवेंचर बोलते हैं सबड्यूड माई प्राइड सबड्यूड का मीनिंग क्या है क्रस्ट समेसिवर पावर्ड कंकर्ट मैंने अपने गर्भ को सबड्यू कर दिया था मीन्स मैं समीसिव बन गया था मैंने क्रस्ट कर दिया था नेक्स्ट बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क एक कॉर्क की तरह कॉर्क का मीनिंग यहां पे क्या है एन एंगलिंग फ्लॉट एंगलिंग फ्लॉट फ्लोटिंग करना जैसे कॉर्क तैरता है ना सरफेस पे उसकी तरह बॉब करना बॉब मींच बॉब का मीनिंग देखिए टू मूव जेंटली इन आइदर ऑ सिंगल मोशन दूसरे छोर पे सिंगल मोशन में बड़े ही जेंटल वे में मूव करना अप और डाउन पानी में स्विमिंग करते हैं ना कभी ऊपर कभी नीचे हाथ पैर मारना फ्लेल्ड एट द सरफेस सरफेस पर फ्ल्ड करना फ्लेड का मीनिंग और देखिए और टूल यूज फॉर थ्रेसिंग जैसे हम शटरा को अलग करते हैं वो छारते हैं यहाँ पर सरफेस में पानी के ऊपर पानी को हटाते हैं तैरते वक्त उसको फ्लेलिंग बोला जाता है वहां से यह वर्ड लिया गया है हैटिन ऑफ लाइफ फेल करटिन लाइफ फेल करटिन ऑफ लाइफ फेल का मीनिंग क्या है यहां पे पर्टिन वैसे तो पर्दा होता है जो जीवन घिर आया है उसका करटिन फिशिंग फॉर लैंड लॉकड सेलमोन लैंड लॉक सैलमोन सेलमोन क्या है वन ऑफ सेवरल स्पेसीज ऑफ फिश मछलियों की जो जातियाँ होती हैं कई जातियाँ उनमें से एक उसके लिए यह यूज किया गया है बैक एंड फोर्थ एकरोस दुल पुल के पार बैक एंड फोर्थ का मीनिंग यहाँ पर क्या है Going from one place to another, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करना या जाना तो हमने कुछ मीनिंग्स को यहाँ पे डिस्कस किया है आइए हम चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं थोड़ा सा ही पार्ट इसका हम करेंगे क्योंकि आज हमने ऑथर की ऑटोबायोग्राफी और कुछ वर्ड्स मीनिंग्स डिस्कस किए हैं तो आइए बिगनिंग करते हैं इट हैड हैपन्ड वैन आई वॉच टेन और इलेवन ईयर्ज ओल्ड यह तब घटित हुआ था जब मैं दस या ग्यारह वर्ष का था आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम मैंने तैराकी सीखने का डिसाइड कर लिया था फ़ैसला कर लिया था देर वॉज अ पुल एट द वाई एम सी एन याकिमा दैट ऑफरड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी वाई एम सी ए में याकिमा में था ये है पुल एक पुल होता था जिसने इस अपॉर्चुनिटी को परफेक्टली करने की पेशकश की थी ऑफर किया था एग्जैक्टली exactly का मीनिंग क्या है परफेक्टली यकीमा रिवर वॉज टैचरस याकिमा नदी बड़ी ही टैचस थी टैचस मीन डिसिटफुल छलावा कर देने वाली थी धोखा देने वाली थी क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग डूब जाया करते थे मदर कॉन्टिन्यूली वॉन्ट अगेंस्ट इट एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इच्च ड्रॉनिंग इन द रिवर माँ ने लगातार निरंतर इस नदी की ओर जाने की चेतावनी दी हुई थी मुझे सचेत किया हुआ था और इस नदी में जो प्रत्येक ड्रॉनिंग होती थी उसके ब्यौरे को मेरे माइंड में माँ ताजा रखती थी बट द वाई एम सी ए पुल वॉज सेफ लेकिन वाई एम सी ए पुल सुरक्षित था इट वॉज ओनली टू और थ्री फीट डीप एट द शैलो एंड एंड वाहल इट वॉज नाइन फीट डीप एट द अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल यह मात्र दो या तीन फुट गहरा था चिचले छोर पर शेलो शेलो का मीनिंग क्या है चेलो का मीनिंग देखिए छिछला हैविंग लिटिल डेप्थ बिल्कुल कम गहराई हो जहां पर मैं यहां पे राइट कर देता हूं हैविंग एच ओ वी आई एन जी लिटल डेप्थ डी ई टी एच हैविंग लिटल डेथ बहुत कम गहराई एंड वाहल इट वॉज नाइन फिट डीप एट दूसरी और जबकि यह नौ फिट गहरा था द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल यहाँ ड्रॉप किया जाना ग्रेजुअल था स्लो था आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल मैंने एक जोड़ा वॉटर विंग्स लिया और पुल की ओर चला गया आई हेटेड टू वॉक नेक्ट इन टू इट एंड शो माई स्की लैग्स मैं नगन अवस्था में इसमें जाना और अपनी स्किनी लैग्स को शो करना ना पसंद करता था घृणा करता था नफरत करता था बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड इट लेकिन मैंने अपने इस अभिमान को इस गर्व को सबड्यू कर दिया था सबड्यू का मीनिंग क्रस्ट ओवर पावर्ड कंकर्ड मैं अपनी अपनी इस प्राइड को दबा चुका था क्रस्ट कर चुका था एंड इट और मैंने यह काम किया सो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ तक का ही टेक्सल कंटेंट आज करते हैं जल्दी ही हम पार्ट टू के साथ मिलेंगे सो आई होप यू विल इंजॉय दिस स्टडी Thanks to all.